लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। अलीपुरद्वार जिले के विस्तीर्ण इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भूटान की पहाड़ियों में बारिश और क्षेत्र में भारी बारिश के कारण अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न हिस्सों में तोरसा नदी के लिए पहले ही पीला अलर्ट जारी किया जा चुका है। आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण भूटान की सीमा जयगांव और दलसिंहपाड़ा के विभिन्न इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। भूटान की ओर जाने वाली मुख्य राजमार्ग सड़क एशियाई राजमार्ग दलसिंहपाड़ा क्षेत्र में कई घरों में पानी भर गया है। इलाके में यातायात बंद है। आइए इसी के विषय में यहाँ के स्थानीय लोगों की रोष साफ देखने को मिल रहा है, उनसे वार्तालाप करके चीज़ों को और स्पष्ट तरीका से समझते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से जनहित में जारी यह संदेश भी देना चाहते हैं। जिसका भी घर नदी तट के किनारे है वह कृपया सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कोई साल नहीं है कि हम लोग अपना बेसिक रिपेयरिंग नहीं करते हैं। यहाँ पंचायत प्रधान आके वीडियो भी आके फोटो खींच के ले गए, बोलता हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम लोग अपना घर बचाने के लिए दूसरा घर जगह बेच बेच के यहाँ पर हम लोग मरम्मत करते हैं। ये देखिए कितना पर ढलाई कर चुके हैं, लेकिन हम लोग जितना कैपेसिटी उतने ही करेंगे। हाँ, हम लोग गरीब है, उतने नदी किनारे में कम पैसा में वहाँ जमीन के लिए घर बनाए हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुन्ना साहब। घर कौन सा? ये घर है, हमारा ये घर है, ये हमारा पड़ोसी घर है। घर जाए देखिए, हमारा घर में कम से कम 5-6 ठो वोट है। यहाँ का जयगांव में 5-6 ठो नहीं 13 ठो वोट है।